दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, एक्चुअली में कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है कि एक्चुअली में व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क। ये एक्चुअली में नेटवर्क होता क्या है, तो काफी ज्यादा डाउट रहता है काफी लोगों को, होता है कि नेटवर्क है क्या, है क्या इसका यूज है, कैसे हम इसका यूज है। तो व्हाट इज नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क इज नथिंग। नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क प्रोवाइड कम्युनिकेशन, द फिजिकल कनेक्टिविटी कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर। और अगर मैं इसको बोलूं कि लाइक अ फिजिकल ना बोल के द फिजिकल एंड और वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर इन सेम एंड डिफरेंट लोकेशन। लोकेशन तो द फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम एंड डिफरेंट लोकेशन। तो सिंपल सा है कि फिजिकल कनेक्शन और वर्चुअल कनेक्शन का मतलब है कि सिंपल सा है कि अगर आपने दो कंप्यूटर्स लिए हैं, लाइक आप अपने घर के अंदर हो पर आपने दो कंप्यूटर्स लिए हैं यहाँ पर, और आपने इसको कनेक्ट करा आपस में, ये आपका एक नेटवर्क बन गया। दूसरा कि अगर आपके, मैं कहता हूं ये टू कंप्यूटर्स हैं, लाइक हाउस वन इन लाइक इंडिया, एंड आपका वन मोर हाउस इज अवेलेबल इन लाइक एक्सवाईजेड लोकेशन। एक्सवाईजेड लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक हम ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जब ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो बीच में मीडिएटर आएगा। इस मीडिएटर को हम बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी हमारा कम्युनिकेशन कराएगा बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। तो दिस इज आल्सो इज अ नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है दिस इज फॉर सेम लोकेशन, और दिस कंप्लीट नेटवर्क लाइक दिस कनेक्शन इज इन सेम लोकेशन, ये हमारा सेम लोकेशन का नेटवर्क है। बट अगर हम इनको आपस में स्टैब्लिश कर देते हैं तो ये हमारा डिफरेंट लोकेशन का नेटवर्क हो जाए। क्लियर? यस तो ये आपका हमारा सिंपल सा है, द नेटवर्क द फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम एंड डिफरेंट लोकेशन। वर्चुअल कनेक्टिव मे बी आई वर कनेक्टेड वाया वायरलेस डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी फाइन, या मे बी यू आर कनेक्टेड वाया लैंड नेटवर्क विद द वायर। तो डिपेंड्स करता है कि हम किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप का नेटवर्क हमने अपना बनाया हुआ लैंड से भी पॉसिबल है टू है। अभी डिफरेंट आ रहे हैं, लैंग्वेज। अभी हम आ रहे हैं। दिस इज द नेटवर्क। ये सिर्फ ओके नेटवर्क के टर्म्स मैंने बताया कि अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज नेटवर्क, या अगर मैं बात करता हूँ कि कोई पूछता व्हाट इज नेटवर्किंग, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग इज अ शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। यानी कि नेटवर्किंग का सिंपल सा है कि लाइक द टू फ्रेंड्स इज यूज द टू मोबाइल फोन, लाइक यू एंड मी, आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मैं अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ। अगर इफ मेरे को आपको सेंड करना है कोई मेल सेंड करनी है, कोई मैसेज व्हाट्सएप मैसेज आपको सेंड करना है मेरे,
तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे अपने घर के इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, यस और नो? सेम एज आपको भी कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप और मैं दोनों नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, एनी रिसोर्सेज। सेम इज कॉन्सेप्ट इज नेटवर्क, कि जब तक हमारा कनेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर वो मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होना है हमारा, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। द नेटवर्क इज सिंपली द फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड सेम एंड डिफरेंट लोकेशन। फाइन। दूसरा, इफ यू एस्टैब्लिश द कनेक्शन या इफ यू क्रिएट इफ यू क्रिएट नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर रिक्वायर एवरी कंप्यूटर यूनिक एड्रेस यूनिक आईपी एड्रेस Because without IP address connection not established. Establish 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 between computer. एक सेकंड सर, मुझे ना कॉल आ रही है, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. तो ये है कि हमारा इफ यू क्रिएट द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर रिक्वायर द एवरी कंप्यूटर यूनिक आईपी एड्रेस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर कंप्यूटर को यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए, बिकॉज़ द विदाउट आईपी एड्रेस द कनेक्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन कंप्यूटर इन सेम एंड डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो हमारे कंप्यूटर सेम लोकेशन पर, चाहे वो हमारे कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशन पर। इतना क्लियर है? यस। तो दिस इज अ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ नेटवर्क। टर्म्स ऑफ नेटवर्क की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो लाइक अ टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क है, काफी सारे नेटवर्क है, तो बट मैं आपको यहाँ पे सारे नेटवर्क की बात नहीं करूंगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू फोर नेटवर्क, दैट्स इट।
क्योंकि सभी नेटवर्क उन्हीं के ही लाइक है ना, एज पर द यूजेस उनके टर्म्स और उनकी नाम्स दे दिए गए हैं। तो कुछ नहीं, आप अपने नेटवर्क को लाइक एज पर द लोकेशन, लाइक अगर आप अपने लैपटॉप को घर में यूज कर रहे हैं तो पर्सनल लैपटॉप हो गया, ठीक है, और अगर आप उस लैपटॉप को ऑफिस में ले जाके करते हैं तो आपका ऑफिस का लैपटॉप हो जाएगा। तो डिपेंड्स करता है कि आपका पॉलिसीज या टर्म्स की पर्सनल क्या है, पब्लिक क्या है, तो यही सारे टर्म्स हमारी होती है। फाइन, तो इसी तरीके से नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करूं तो एज पर द मेरे अकॉर्डिंग ओनली द 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, बाकी सब इन्हीं के पार्ट है, लाइक कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो दिस इज अ टर्म। तो अगर मैं बेसिक बात करता हूँ तो फर्स्ट आता है आपका लैन, सेकेंड आता है हमारा वैन, थर्ड हमारा आता है इंटरनेट, एंड फोर्थ हमारा आता है इंटरनेट। तो ये बेसिकली हमारे 4 नेटवर्क। लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, और इंटरनेट। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लैन, तो एक एक लाइन में मैं इनको फिनिश करना चाहूंगा, ये लैन और वैन और इंटरनेट और इंटरनेट। तो लैन नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो लैन नेटवर्क द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर, ये लैन नेटवर्क वर्क SOHO, SOHO का मतलब है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो लैन नेटवर्क वर्क इन स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर यूज सेम रेंज और नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब है ग्रुप, आईपी ग्रुप, नेटवर्क ग्रुप आईपी एड्रेसिंग। और लैन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो आपके क्या करेंगे, सेम रेंज, रेंज यानी कि क्लास ए बी सी की कोई भी रेंज का आईपी ले सकते हो, और सेम सबनेट यानी कि ग्रुप, सेम नेटवर्क आईपी एड्रेसेस का यूज करता है। तो लाइक कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लाइक मेरा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक दिस इज माय वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज माय अनदर ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। तो ये मेरी दो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अलग अलग लोकेशन पर हैं, या दो लोकेशन है, और हर कंपनी के अंदर क्या होता है, देयर द एन नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एन नंबर ऑफ कंप्यूटर, लाइक सपोज करो दिस इज योर कंपनी है, यहाँ पर भी आपके काफी सारे कंप्यूटर्स हैं, एंड दिस इज योर कंपनी भी, यहाँ पर भी आपके काफी सारे कंप्यूटर्स हैं, लाइक होम या वट एवर कोई भी आप मान सकते हो, एंड लाइक दिस इज वन मोर डिवाइस इज अवेलेबल, एंड दिस डिवाइस इज नेम लाइक स्विच, ये आपका एक डिवाइस है जिसको हम नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं, जिसको हम स्विच बोलते हैं। तो लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट है, लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स का मतलब है दिस ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस एंड यूज सेम रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। द सेम रेंज तो ऑफ आईपी क्लास एड्रेस भी मीन एक ही, अगर क्लास भी एक ही यूज करेंगे तो नहीं होगा कि मिक्स क्लास ए या बी या सी में से कोई भी, नहीं, जैसे आप मान लो सेम इन सिंगल क्लास आपकी रेंज है 1 to 126, तो वही यूज तो करेंगे। आप 1 इधर ले लीजिए, 2 इधर ले लीजिए, तो किसी भी क्लास की रेंज आप यूज कर सकते हैं, या एक ही रेंज है बट आपने सबनेटिंग करके उसको ग्रुप वाइज डिवाइस करा हुआ है, जैसा हमने लास्ट क्लासेस में करा था, सबनेटिंग करी थी हमने। तो लाइक आपने ग्रुप 1 यहाँ पर दे दिया, ग्रुप 2 यहाँ पर दे दिया, फाइन। तो लाइक दिस इज माई कंपनी ए, तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो अगर क्लास ए है, क्लास ए के हमने दो ग्रुप, दो जैसे आपने बोला ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन की मान लो ये दो ब्रांचेज हैं, तो हमने हाँ इनको जैसे मान लो कि ए, क्लास ए में से दो ग्रुप्स
बना के दोनों को दे दिया आईपी। ऐसा हो सकता है कि हम क्लास बिल्कुल बिल्कुल ए बिल्कुल बिल्कुल हमने बनाया नहीं का थे। दे दें, ऐसा हो सकता है कि हम हाँ क्लास ए का दे दें एक और एक को, और क्लास दो को, क्लास बी का दे दें दूसरी साइट को, ऐसा आप हो। बिल्कुल दे सकते हो, आप सेम आईपी नहीं देके आप चाहे डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स के आईपी हैं आप वो भी दे सकते हो। ओके तो लाइक ये हो गया आपका लैन ए एंड दिस इज लैन बी, लाइक डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकते हैं, लाइक दिस इज इंडिया एंड दिस इज लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो आपके यहाँ पर भी एक कंपनी है और मेरे यहाँ भी एक कंपनी है, दोनों कंपनियों ने अपने कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, लाइक दिस इज अ नेटवर्क डिवाइस एंड दिस नेटवर्क डिवाइस इज नेम इज स्विच, जिसको हम स्विच बोलते हैं, लाइक घरों में हमारे वाईफाई लगा रहता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं तो वहां पर नेटवर्क स्विच ही लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकें, तो ये स्विच है। एंड लाइक सपोज करो यहाँ पर जो हमारी कंपनी जो आईपी रेंज यूज कर रही है वो आईपी रेंज हमारी यूज कर रही है लाइक थोड़ा सा छोटा कर दे तो लाइक 192.168.1.0/34, तो लाइक मेरी कंपनी यहाँ पर ये वाली आईपी रेंज यूज कर रही है फाइन। एंड इधर जो मेरी कंपनी यूज कर रही है आईपी रेंज लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 172.168.0/16, या आप यहाँ पर ले सकते हो 2.0 भी ले सकते हो, तो चॉइस इज योर। ये 192.168.1.0 यहाँ पे ले लिया, 2.0 भी आप यहाँ पे ले सकते हो, दैट मीन्स डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क हो या सब नेटवर्क। अब यहाँ पे 1.0 आ गया लाइक का मेरा आईपी यहाँ पर हो गया 1.2 1.3, एंड देयर इज एन नंबर ऑफ आईपीज आपने लगा रखे, लाइक 200 कंप्यूटर्स लगा रखे, तो इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर्स को क्या करोगे सीक्वेंसली आईपी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 1.2 1.3 1.4 सेम एज यहाँ पर भी मैंने आईपी दे दिया लाइक 0.2 0.3, तो सीक्वेंसली हमारे आईपी चलते जाएंगे क्योंकि 16 है, तो मैंने आपको बताया था दैट मीन्स कि 2 ऑक्टेट हमारे रिजर्व हो जाएंगे, तो 0.4। तो ये हमारे दिस इज अ लैन नेटवर्क, इसको हम बोले बोला गया लैन ए लैन वन, तो वही है द लैन नेटवर्क वर्क इन स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस यानी कि विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स यूज सेम रेंज ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। ओके वन सर, मोर थिंग, हाँ बताइए। ये जो आपने ये वाले ओके लैन बी ठीक है 0.1 0.0 ओके एस तो आपने दो डिफरेंट क्लासेस ली हैं, तो है ये सेम ऑर्गेनाइजेशन और उनकी दो ब्रांचेस ली हैं या दो डिफरेंट कंपनीज ली हैं? सेम ऑर्गेनाइजेशन ले लो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो ये टू ब्रांचेस अवेलेबल है, चाहे वो सेम ब्रांच की ले लो डिफरेंट की ले लो, इन डिफरेंट लोकेशंस पर है, डिफरेंट तो डिफरेंट आईपी भी यूज। ओके बिकॉज द लैन नेटवर्क वर्क इन विद सिंगल लोकेशन, द लैन नेटवर्क लैन CONN, एक मिनट द लैन कनेक्टेड लैन नेटवर्क वर्क इन सेम लोकेशन, लैन नेटवर्क हमेशा सेम लोकेशन पे काम करता है, लाइक कि इंडिया की लैन ए है और मुंबई का लैन बी है तो वो ऑस्ट्रेलिया का लैन नेटवर्क है और ये इंडिया का लैन नेटवर्क है, और अगर लैन नेटवर्क वर्क इन सेम लोकेशन एंड इफ यू प्रोवाइड एंड इफ यू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन लैन नेटवर्क लैन कनेक्टेड कंप्यूटर लैन कनेक्टेड कंप्यूटर डज नॉट रिक्वायर गेटवे, तो कभी भी आप गेटवे आईपी एड्रेस
अच्छा आप कभी भी लैन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपके IN 1 2 3 4 ACs को और IN 2 3 PCs को करना है तो आपको किसी गेटवे के एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ विंडो आर करके और मैं यहाँ पे गया CMD में एंड देन आई एम जस्ट क्लिक द IP कॉन्फिग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा एक गेटवे का एड्रेस पड़ा हुआ है, द डिफॉल्ट गेटवे 1.1। तो दिस आईपी इज डज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं लैन के अंदर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मुझे डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मान लो कि एक कंपनी, जैसे कंपनी ए में दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, राइट? डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी है, तो अगर उन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो दे कैन कम्युनिकेट थ्रू स्विच, दैट्स इट। या दैट्स इट। बट वहां पर भी एक टर्म्स है, वहां पर भी टर्म्स क्या है कि सपोज करो लाइक कि दिस इज योर वन कंपनी एंड दिस इज अ डिपार्टमेंट ए लाइक HR, दिस इज डिपार्टमेंट बी इज लाइक अ सेल्स। अब डिपेंड्स करता है कि यहाँ पर जो IPs हैं वो लाइक यहाँ पर अगर IP है लाइक 192.168.1.0/24 और यहाँ पर अगर IP चल रहा है लाइक 192.168.1.2.0/24, इस सिनेरियो में ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट ए लैंड नेटवर्क। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको गेटवे चाहिएगा, क्यों? क्योंकि तो डिफरेंट रेंज के आईपी आ गए, गॉट इट? या सपोज करो आपने एक सबनेट लिया और सबनेट लिया आपने 192.168.1.0/25 लिया, यहाँ पर एक सबनेट दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप 128 IPs का एंड सबनेटिंग अगर आप करते हो और दूसरा आपका ग्रुप क्या बनता है 192.168 लाइक 128 टू लेकर 192.168.1.128/25, ये आपका सेकंड ग्रुप बनता है। अब इसमें आपने क्या करा, ये दो ग्रुप बना दिए 128 128 के, देखिए दोनों में देखने में सेम है बट दिस इज योर ग्रुप ए एंड दिस इज योर ग्रुप बी। सो ये ग्रुप आपने HR को एलोकेट कर दिया, ये ग्रुप आपने सेल्स को एलोकेट कर दिया, तो दिस इज अ लैंड वन और दिस इज योर लैंड टू। बट आप जब भी इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड का मैंने आपको बताया था द लैंड नेटवर्क वर्क इन स्मॉल ऑफिस लैंड कनेक्टेड कंप्यूटर यूज सेम रेंज ऑफ नेटवर्क एंड ग्रुप आईपी एड्रेस, यानी कि जहां पर भी सेम ग्रुप के आईपी होंगे या सेम रेंज के आईपी होंगे या सेम सबनेट्स के आईपी होंगे वही आपका लैंड नेटवर्क होगा। सर एक सेकेंड स्क्रॉल करोगे, मुझे सेकेंड वाला देखना है। 192. नहीं, नीचे 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 192.168.1.0, दैट ये मीन्स कि वाला। इसकी जो ग्रुप आईपी आएगी 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा और 127 पे खत्म हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप स्टार्ट होगा 192.168.1.128 और जो कि आपका एंड हो जाएगा 255 पर। दिस इज अ टू नेटवर्क ग्रुप, दिस इज अ टू डिफरेंट नेटवर्क ग्रुप्स, इसी को हम सबनेटिंग बोलते हैं जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको अच्छा, पढ़ाया। आपने दो डिफरेंट ग्रुप ही बना। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दो डिफरेंट ग्रुप है, 1.0 और 1.128? /25 है ना, तो 25 पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइक कि अगर हम अच्छा, /24 हाँ, यूज कर रहे हैं तो 25 के हमारे बाद तो पास डिफरेंट ग्रुप बन गया होगा। नहीं, ओके स्लैश सिंपल सा है कि स्लैश मैंने आपको फिक्स आईपी बताया था कि /24 का मतलब है 256 IPs लगने हैं और हाँ, /25 का मतलब है कि हमारे एक ग्रुप में 128 ही IP है, गॉट इट? दैट मीन्स कि अगर /25 है मतलब कि ये आईपी 128 तक ही जाएगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता, उसके बाद दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो जाना है। तो आपके पास अच्छा अगर 256 IPs हैं, सिंपल सा कि अगर आपके पास 256 IPs हैं टोटल और एक ग्रुप के अंदर आपके पास कितने आईपीज आ रहे हैं 128, तो सिंपल सा है 0 to 127 दिस इज ग्रुप वन एंड 0 to 128 to 19 128 to 255 दिस इज ग्रुप टू, तो 0 to 255 256 IPs हो गए, आपने दो ग्रुप बना दिए, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर? सॉरी सॉरी, मे बी सर, हम ये आपने कैसे कहा कि आप एक ग्रुप में 128 IPs ही आएंगे, ये स्लैश किस ट्वेंटी तरीके? फाइव लगा हुआ है, स्लैश 25 बिट्स है, अच्छा, वो स्लैश ट्वेंटी निकाल फाइव का
25 का मतलब क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है /25 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस द 7 बिट्स ऑफ है। दोष निकालने के लिए 7 बिट्स क्या मेरी ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है? 2 to the power 7, 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128 आईपी, दैट्स इट। ठीक है अंदर 128 आईपी दिए आएंगे, माइनस 2 में कर दूंगा तो द वैलिड आईपी इज 126, वन इज ब्रॉडकास्ट और सेकंड इज नेटवर्क आईपी, एंड ब्रॉडकास्ट आईपी माइनस हो जाएंगे। एवरीथिंग एक्सप्लेन करा हुआ है, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में वो टॉपिक आपको बताया था। ऑस्ट्रेलिया में डाल दो, इसको यूएस में डाल दो, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके क्लियर? सो देन वी आर मूविंग कि अब आता है नेक्स्ट की एक और है कि अब आपको ये दोनों चीजों को आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो मैं थोड़ा सा वेन नेटवर्क के बारे में भी आपको बता देता हूं कि वेन नेटवर्क क्या है। वेन नेटवर्क is a collection of multiple LAN network. So WAN क्या है? The collection of multiple LAN network. The WAN connected computers use different range, subnet and network IP addresses. If you provide WAN network connected LAN network required gateway IP address and gateway IP address. यानी कि सिंपल सा है कि WAN जो है, WAN network is collection of LAN network और WAN connected computers use different range, subnet and network IP addresses. जबकि लैंड में क्या है, सेम यूज करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और इफ यू प्रोवाइड द वैन नेटवर्क कनेक्टेड लैंड नेटवर्क, क्यों? क्योंकि लैंड क्या है, क्योंकि वैन कब बनेगा, जब एक से ज्यादा लैन होंगे। तो वैन के अंदर जितने भी लैंड नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर आप उनके साथ क्या करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिएगा, गेटवे आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर आपको एक लैन से दूसरे लैन को कम्युनिकेट कराना है, तो आपकी कंपनी को एक एग्जिट पॉइंट अपने बनाना पड़ेगा। Okay. आपकी कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, एक एग्जिट पॉइंट। लाइक आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग के अंदर क्या है, काफी सारे फ्लोर्स हैं, फाइन, बट आपकी बिल्डिंग का एग्जिट पॉइंट तो एक ही होगा ना, कॉमन। गॉटन माय पॉइंट? लाइक हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, सबका एक मेन एग्जिट पॉइंट होगा ना, जहां से सब जाएंगे, सब आएंगे। बट अंदर आके कोई फर्स्ट फ्लोर जा रहा है, कोई सेकंड फ्लोर, कोई थर्ड फ्लोर, दिस इज द सेकंड मीटर, तो यहाँ पर क्या है, गेटवे लगता है उनके, इसको बोलते हैं गेटवे। हमने यहाँ पर एक गेटवे बनाया, और वो गेटवे क्या है, गेटवे में भी है कि वो जो गेटवे आप लगा रहे हो, तो वो हमारा राउटर भी हो सकता है, और उसको हम लाइक स्विच भी बना सकते हैं, स्विच को भी हम गेटवे बना सकते हैं, फायरवॉल भी हो सकता है हमारा, और वो हमारा मॉडेम भी हो सकता है, और वो हमारा वाईफाई भी हो सकता है। तो घरों में जो हमारे लगा रहता है वो वाईफाई रहता है, दैट मींस द वाईफाई इज द गेटवे, क्योंकि वाईफाई ही है जो हमारे घर के अंदर के नेटवर्क को
और बाहर लाइक मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि दिस इज लाइक 1, 2 एंड 3, ये तीन और लाइन है मेरे लाइक का, दिस इज लाइक यूट्यूब या जीमेल एंड दिस इज लाइक याहू गूगल एंड दिस इज लाइक यूट्यूब. फाइन, तो यूट्यूब हो गया. तो लाइक दिस इज अ जीमेल लैन, दिस इज अ गूगल लैन एंड दिस इज अ यूट्यूब लैन. तो ये भी आपके लैन है, लाइक लैन 3, लैन 2, लैन 1 या लैन 1. तो ये भी आपके लैन ही नेटवर्क है. जीमेल का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बना हुआ है, गूगल का अपना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और YouTube का अपना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. और इन कंपनीज ने भी क्या करा हुआ है, अपना एक पर्टिकुलर गेटवे ठीक डिवाइस लगाया हुआ है. इन्होंने भी क्या करा हुआ है, अपना गेटवे लगाया हुआ है. अब जब हम इन सबको कनेक्ट करना चाहेंगे, फाइन, लाइक अब आपकी कंपनी का टाई अप भी है, तो वट एवर, ये हमारे पब्लिक नेटवर्क है, तो बीच में आपका एक मीडिएटर आएगा. दिस मीडिएटर इज कॉल्ड, नेम इज ISP. दिस इज कॉल्ड फॉर ISP. और ये सभी लोग एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है एंड दिस सेंटर पॉइंट, यू नो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो सेंटर पॉइंट आपका क्या है, हमारा ISP है. क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, वैन बन गया. विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ लैन, यानी कि इस पूरे इंटर वैन के अंदर कितने नेटवर्क, लैन नेटवर्क आ रहे हैं, 5, इंडिया 1, ऑस्ट्रेलिया 2, लैन 3, लैन 2 और लैन 1, 3 और, दैट मीन द टोटल नंबर ऑफ लैन कितने आ रहे हैं, 5. और यहाँ पर क्या है, ये जो गेटवे है, लाइक ये गेटवे इज कनेक्टेड इज योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. लाइक आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, आपका जो वाईफाई है, आप देखते हो आपके घर से बाहर से एक लाइन आ रही है, वो आपके वाईफाई पे जा रही है और वाईफाई से कनेक्टेड आप जो भी कंप्यूटर अपना मे बी है वायरलेसली करना चाहते हो, वर्चुअली या फिजिकली, वो आपके ऊपर है. अब क्या है कि जो आईपी रेंज आपके सिस्टम पे है, वही गेटवे का भी एक यहाँ पर आईपी होगा, लाइक 192.168.1.1 में आईपी ले लेता हूँ. तो दिस इज माई गेटवे आईपी. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा गेटवे का आईपी है. तो यही आईपी हर सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा, क्योंकि ये हमें बहुत बताना पड़ेगा. या दिस इज इज नॉट ए ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी नहीं है, कोई भी एक आईपी ग्रुप में से आप लेके उसको गेटवे बना सकते हैं, लाइक गेट नंबर 1. तो गेट नंबर 1 से अगर एग्जिट होना है, अगर आपकी बिल्डिंग में 100 पीपल है, तो सबके पता होगा कि गेट नंबर 1 फॉर एग्जिट, तो कॉमन गेट नंबर होगा ना सबके पास. आईडी का क्या फंक्शन है? आपने बताया था कि ग्रुप आईडी जो है वो आउटिंग के लिए मैं यूज ग्रुप होता है। आईडी नहीं दे रहा, दिस इज नॉट ए ग्रुप, दिस इज ग्रुप के अंदर से ही कोई भी एक आईपी को गेट नंबर दे रहा हूं मैं. ओके पर आपने बताया था ना कि ग्रुप आईडी राउटिंग के लिए यूज होता है, फिर मुझे लगा राउटिंग के है शायद ना, तो यहाँ आउटिंग राउटिंग नहीं कर रहे ना, राउटिंग हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पर हम राउटिंग नहीं कर रहे अभी, यहाँ मैं इंटरनल लैन ही नेटवर्क बना रहा हूँ, गेटवे से लेकर और सिस्टम तक का पूरा लैन ही नेटवर्क है. ओके ये पूरा लैन ही नेटवर्क है. राउटिंग कहाँ पर होगी वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ. और लाइक का यहाँ पर जो आईपी होगा, लाइक 172.168.0.1, मैंने इसको गेटवे बनाया. तो हर सिस्टम का गेटवे, यानी कि इस गेटवे का जो लैन आईपी है, ये देखिए ये लैन में, क्योंकि सेम लैन इज अ वर्किंग कनेक्टेड कंप्यूटर यूज सेम रेंज ऑफ, तो यहाँ पे 10.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये सेम रेंज के आईपी है ना, यानी कि इस गेटवे के इस पॉइंट से लेके और ये सिस्टम पूरा लैन नेटवर्क, पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा लैन है. और आपकी जो राउटिंग स्टैब्लिश होती है, वो राउटिंग कहां पर स्टैब्लिश होती है, द राउटिंग ऑलवेज स्टैब्लिश बिटवीन गेटवेज, राउटिंग ऑलवेज स्टैब्लिश बिटवीन गेटवे, यहां पर आपकी राउटिंग स्टैब्लिश होती है. क्लियर? यस अब टर्म्स आता है, देखिए वैन नेटवर्क और इंटरनेट को लोग बाग सेम ही बोलते हैं,
मैं भी कहता हूं कि इज द सेम, बट एक्चुअली में अगर सेम है तो ये दो डिफरेंट टर्म्स क्यों दी गई है? गॉट माय पॉइंट? सेम डिफरेंट टर्म्स देने का भी एक रीजन है कि लाइक मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन दे आर द लाइक अ वन टू थ्री एंड फोर ब्रांचेस इज अवेलेबल, क्लियर? एंड दिस फोर ब्रांचेस इज अवेलेबल लाइक द वन ब्रांच इज अवेलेबल लाइक लैन वन इज, मैम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, लैन वन एंड इज अवेलेबल इन लाइक यूएस एंड दिस इज अ बी वन ब्रांच वन, दिस इज अ लैन टू इज अवेलेबल इन लाइक यूके एंड दिस इज अ बी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज अ लैन थ्री इट्स अवेलेबल इन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इज लाइक अ बी थ्री एंड वन मोर थिंग इज लैन फोर एंड इज अवेलेबल इन इंडिया एंड दिस इज अ बी फोर। अब मैंने इन सारे ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करा थ्रू आईएसपी, मैंने सारे के सारे ब्रांचेस को एक्सेस करा वाया आईएसपी, आई तो ये मेरा क्या बन गया, कौन सा नेटवर्क बन गया? वैन वैन, ये सबको पता है। तो टर्म्स इज वन कि ये नॉन है, ये सारी ब्रांचेस मेरी क्या है, नॉन है, बट डिफरेंट लोकेशन पर है, ये मेरा वैन नेटवर्क बन गया। लेकिन मेरे पास कुछ सोशल गैदरिंग भी मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सोशल गैदरिंग भी। सोशल गैदरिंग की अगर मैं बात करता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, लाइक जीमेल याहू एंड लाइक गूगल या गूगल फेसबुक एंड यूट्यूब एंड लाइक अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब के अलावा कुछ कुछ भी ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए। भी देखिए यहां पर पॉसिबल नहीं है कि मेरे को हर ऑर्गेनाइजेशन का आईपी पता हो, मुझे जीमेल का भी आईपी पता हो या मुझे याहू से, तो दिस इज अ वैन, ये मेरी कंपनी के पार्ट नहीं है, बट मैं इनको भी एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि दिस इज अ पब्लिक नेटवर्क, ये एक तरीके का पब्लिक नेटवर्क है, ये एक तरीके का मेरी कंपनी का नॉन है, तो लाइक एक हाइब्रिड वैन मैंने बना रखा है। तो अब अगर मुझे इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, बट इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, मुझे लाइक का गूगल सर्च भी करना है, मुझे मेलिंग भी करना है, बट हर कंपनी ने अपना एक मेल सर्वर भी बना रखा है, तो कंपनी ने अपना खुद का एक्सचेंज सर्वर एक बना रखा है, उन्होंने अपनी पर्टिकुलर एचसीएल कंपनी है लाइक, और एचसीएल कंपनी ने अपना एक पर्टिकुलर एक मेलिंग सर्वर भी बना रखा है, हर कंपनी का अपना मेलिंग सर्वर होता है, फाइन, तो कंपनी ने, बट मुझे अगर ये सारी चीजें भी एक्सेस करनी है तो मैं इन सबको कैसे एक्सेस करूंगा? इन सबको भी मैं एक्सेस कर सकता हूं, बट इसको किस नेटवर्क से एक्सेस करूंगा? आई एम एक्सेस दीज ऑल रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। तो ये सब लोग मेरे किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया या वॉट एवर, यानी कि हर कंपनी अपने आप को डिप्लॉय करने के लिए किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू, ओके फाइन। और यहां पर ये क्या है, मेरे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड फॉर लीज लाइन, अच्छा क्योंकि हर कंपनी अपना एक डेडिकेटेड ट्रैफिक चाहती है, जिससे वो नहीं चाहती कि मेरा पब्लिक ट्रैफिक मुझे हिट करे, फाइन। तो यहां तो कंपनी ने अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क बना दिया, और ये सब लोग मेरे कनेक्टेड है किसके साथ, पर्टिकुलर इंटरनेट के साथ।
ये मेन डिफरेंस है वैन और इंटरनेट में। या बिल्कुल अभी मैं आ रहा हूं। अब कंपनी कभी भी इंटरनेट से जब कनेक्ट करती है अपने नेटवर्क को, क्यों कनेक्ट करते हैं कि हम पब्लिक गैदरिंग से भी कनेक्ट हो सके। ये तो हमारे नॉन हो गए ना, तो ये तो हमारी कंपनी का डेडिकेटेड नेटवर्क हो गया, तो हाँ इसको भी बैन है। लेकिन यहां भी तो ये भी तो सारे लैंड नेटवर्क ही हैं, बट मुझे इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पता। मुझे इनका हाँ पता है मेरे ब्रांच वन में क्या आईपीज हैं, ब्रांच टू में लैंड का क्या आईपी है, थ्री का, फोर है, मैं यहाँ राउटिंग करके अपना वैन नेटवर्क बना दूंगा। लेकिन जब मैं इंटरनेट से, इनके आईपी तो मुझे पता ही नहीं ना, लाखों वेबसाइट्स हैं, लाखों सर्वर्स हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि मुझे हर सर्वर और हर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पता हो। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं पता। आपके, अगर मैं कहता हूँ आपके चार घर हैं, तो आपको चार घर के अपने एड्रेस पता होंगे, तो आप इजिली कर सकते हैं। लेकिन मैं करूँ आपको मेरे से कनेक्ट होना, तो आपको मेरे घर का तो एड्रेस ही नहीं है, तो आप मुझे सर्च क्या करोगे, लाइक वाया मेल? तो उस केस में आपको उस नेटवर्क से भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर इस नेटवर्क से कनेक्ट कर देता हूँ, दैट मीन्स ये भी मेरा पूरा का पूरा इंटायर वैन नेटवर्क है। बट यहां मैंने पब्लिक नेटवर्क को किसके साथ कनेक्ट करा है, अपने वैन नेटवर्क के साथ, तो ये भी मेरा वैन ही है। बट जैसे मैं यहां पर इस नेटवर्क को कनेक्ट करूंगा, तो मुझे यहां पर करनी पड़ेंगे रूल्स बनाने पड़ेंगे, फिल्टरिंग इनेबल, फायरवॉल या मुझे यहां पर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अपने फायरवॉल्स लगाने पड़ेंगे। व्हाई? इसलिए लगाने पड़ेंगे कि भाई मैं नहीं चाहता कि पब्लिक के लाखों लोगों का ट्रैफिक मेरे पास आए। मैं चाहता हूं कि मेरे यहां पर सिर्फ गूगल खुले, तो मैं फायरवॉल लगा के यहां पर गूगल को अलाउ करूंगा और बाकी सब चीज मेरी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो मेरी कंपनी का नेटवर्क तो चल रहा है, ये चारों ब्रांचेस तो मेरी इंटरकनेक्टेड है, बट पब्लिक नेटवर्क से भी मैंने पर्टिकुलर डेडिकेटेड नेटवर्क को अलाउ करना है। लाइक मैं चाहता हूं गूगल और जीमेल सिर्फ अलाउड हो, बट गूगल और जीमेल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं, तो मैं एक पब्लिक नेटवर्क को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूं। तो दिस इज अ पब्लिक नेटवर्क। जो भी नेटवर्क हमारा नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। तो दिस इज अ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, मैं आपको बता देता हूं क्यों इंटरनेट। लाइक अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस के अंदर जाते हो, तो जब आप पब्लिक प्लेस के अंदर जाते हो, तब क्या होता है, तब आप अपना लाइक वॉलेट का, अपने बैग का, इन सब का ध्यान रखते हो ना। लेकिन जब आप घर पे रहते हो, तब रखते हो क्या इन सब चीजों का ध्यान, मोबाइल फोन का नहीं रखते ना। नहीं। गॉट इट? तो मैं अगर अपनी कंपनी के नेटवर्क के अंदर हूं, तो मुझे इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर मुझे सर पता है यहाँ पूरे इंटायरमेंट नॉन कैंडिडेट है, नॉन यूजर्स हैं। बट जैसे ही मैं पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अननोन ट्रैफिक है, तो अननोन यूजर्स है, दैट मीन्स मुझे इनके लिए अपनी सिक्योरिटी इनबिल्ट करनी पड़ेगी। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? सर, ये जो वैन नेटवर्क है जो हमने रेडी में थोड़ा ड्रॉ किया है, ये जो है ये भी तो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, पर ओनली डिफरेंस इज कि एक डेडिकेटेड लाइन है, इसलिए एक लीज लाइन है, तो इसलिए हम इसको इसको हम वैन, क्योंकि देखा जाए तो वैन भी तो इंटरनेट एक्सेस करता है, इंटरनेट है तो देखिए, सभी ऑल द कंपनीज तो मैंने ट्रैफिक क्या बोला, करते दोनों ही वैन हैं। एक में हैं। आपका क्या है कि आपको पब्लिक गैदरिंग से कनेक्ट नहीं होना, आप चार ब्रांचेस को अपने को सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इंटरनेट लूं, मैं पब्लिक नेटवर्क का सहारा लूं। तो अगर आप चार अपनी नॉन ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं, वो भी आपका वैन नेटवर्क है। लेकिन अगर आप पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो आप क्या हर किसी के साथ लीज लाइन से कनेक्शन बनाओगे? 1 लाख वेबसाइट्स हैं, इज इट पॉसिबल? उसको टर्म दी गई है इंटरनेट। तो जो लीज लाइन है, लीज लाइन डेडिकेटेड लाइन है हर कंपनी की, जिस पर हर कंपनी का अपना डेटा, वॉइस एंड वीडियो डेडिकेटेडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके आपके ऊपर है, आप उसको पब्लिक ट्रैफिक से कनेक्ट करो या मत करो, चॉइस इज योर। तो जो हम घर पे जैसे हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो हम भी तो लीज लाइन लेते हैं, देखा जाए तो हम कौन सा देखो, वो डायरेक्टली। लीज लाइन लेते हैं, अगर आप अपने आईएसपी को बोलेंगे, तो वो वहां से फिल्टर करके देगा आपको सारी चीजें। अच्छा, तो है तो लीज लाइन मतलब सब लोग, एक होम यूजर भी बोल रहा है तो उनको लीज लाइन लीज तो लाइन कनेक्ट ही बोला करते, जाता हम है। इंटरनेट बैंक के साथ तो देखिए, बात देखो, कनेक्ट कर ही नहीं सकते विदाउट। इंटरनेट एक नेटवर्क है, हम बोल रहे हैं हमने इंटरनेट लगवा लिया, लोगों को पता है हमने इंटरनेट लगवा लिया, लेकिन इंटरनेट के जो वायर है, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, उसको या तो आप ब्रॉडबैंड बोलते हो या लीज लाइन बोलते हो। दिस इज अ टर्म, ये हर किसी को पता है, नहीं होता। वो कहते हैं मैंने अपने घर पर नेट लगवा लिया, तो उसको पता है कि भाई मेरे यहाँ इंटरनेट लगा हुआ है,
मैंने कहता ना, मैंने यार अपने घर पानी का कनेक्शन लगवा लिया, यार पानी का कनेक्शन लगाया लेकिन पानी की जो पाइप आई है वो प्लास्टिक की है या लोहे की है, दिस इज अ टर्म। तो मेरे यहाँ पर इंटरनेट क्या, वो एक सर्विस है, मैं इंटरनेट के थ्रू अपने लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, बट इंटरनेट आपके घर पे कैसे पहुंच रहा है, वो मे बी फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू पहुंच रहा है या मे बी वो ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया है। दूसरा, आप लीज लाइन है तो इंटरनेट पे आप किस टाइप का ट्रैफिक आपके लीज लाइन पे अलाउड है। तो मैं अपनी कंपनी के लिए डेडिकेटेड नेटवर्क चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी इन चार कंपनीज का नेटवर्क कम्युनिकेट करे, और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे वर्ल्ड वाइड एक्स वाई जेड सबसे कनेक्ट होना है, तो मैं कहूंगा मेरे ट्रैफिक पे आप फुल एक्सेस दे दीजिए वर्ल्ड वाइड, तो वहां पे 2 लाख वेबसाइट है सबसे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो वो इंटरनेट हो गया और वो डेडिकेटेड नेटवर्क हो गया। ओके गॉट इट? क्लियर? यस चलिए आगे चलते हैं। अब इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक सर्च इंजन है, वी कैन फाइंड द एवरीथिंग बाय द इंटरनेट एंड एक्सेस इंटरनेट इन वर्ल्ड वाइड एनी लोकेशन, ये सब है। बट मैं इसके अलावा कुछ और जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज इंटरनेट। बताओगे व्हाट इज इंटरनेट? ओके इंटरनेट तो मतलब अगर हमें कुछ भी रिसोर्स एक्सेस करने को वेबसाइट एक्सेस करने को और वो तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। उसके अलावा एल्स इज इंटरनेट ठीक है, सभी को पता रहता था। मैं अगर लॉजिक बताऊं तो आपका क्या है, इट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिक अनसिक्योर सेक्योर नेटवर्क नेटवर्क बिकॉज अवेलेबल लेबल एनी लोकेशन वेरी चीप डज नॉट रिक्वायर एनी इंफ्रा कॉस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइंड इंफॉर्मेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट। देखो सिंपल सा है कि इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड पब्लिक अनसिक्योर नेटवर्क क्यों बोला गया, कि आप अगर अपने सिस्टम पर एंटीवायरसेस वगैरह कब डालते हो, जब आपको इंटरनेट चलाना हो, अदरवाइज आप एंटीवायरस नहीं डालोगे। आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो तभी अपने घर पे ताला लगा के जाते हो, और तो हम लैपटॉप वगैरह पे एंटीवायरसेस कब डालते हैं, जब हमें इंटरनेट से कनेक्ट होगी यार वायरस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये हर लोकेशन पे अवेलेबल है, और काफी सस्ता होने के लिए इसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है। तो ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स इसके सबसे ज्यादा है, और नंबर ऑफ यूजर्स सबसे ज्यादा है तो कुछ इसका यूज करते हैं और कुछ इसका मिस यूज करते हैं, हैकिंग पर्पस पे इन सारी चीज से यूज करते हैं, इसलिए इंटरनेट को एक अनसिक्योर नेटवर्क बोला गया। दूसरा, आप इंटरनेट को आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, बट लैन और वैन नेटवर्क इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बन सकता है। इंटरनेट को चलाने के लिए आपको कोई स्विच की या कोई फायरवॉल की या इन सब की कोई ऐसी सर्चेज जरूरत नहीं पड़ती। आज अपना मोबाइल डेटा ऑन करते हो इंटरनेट चल जाता है, बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लैंड नेटवर्क बनाओगे तो वहां पर आपको पर्टिकुलर पूरा इंफ्रा लगाना पड़ेगा। गॉट इन माय पॉइंट? तो इसको अनसिक्योर इसीलिए बोला गया है क्योंकि काफी ज्यादा सस्ता है। लैंड नेटवर्क सस्ता नहीं है, लैंड नेटवर्क पर्टिकुलर आपका एक पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डिप्लॉय हो सकता है, बट इंटरनेट को डिप्लॉय करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन की जरूरत नहीं है। आज आपके पास, आज के टाइम पे देखें तो आपके पास अगर आज वाईफाई डिवाइसेस है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी उस डिवाइस को इजीली लेके जा सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को लेके जा सकते हो, नहीं, आपको पता है कि यार उसके अंदर बैटरी नहीं होती, दूसरा उसके अंदर वाईफाई लैन कार्ड नहीं होता, तो ये सारी चीजें हैं। ओके यस क्लियर? सर
और एक और नेटवर्क मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंट्रानेट क्या है। तो इंट्रानेट इज इंटरनेट, सिमिलर, आई थिंक इंटरनेट मैं बोल, इट्स इट ओके फाइव सेक, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है जो हमने रेड में सारा ड्रॉ किया है बिल्कुल वो इंटरनेट है। INTR इंट्रानेट, या बिल्कुल परफेक्ट। कि इंटरनेट इज सिंपली टर्म्स में अगर बोलता हूं, द इंटरनेट इज सिमिलर या सेम एज लैन नेटवर्क, लैन एंड वैन नेटवर्क, बट लिमिटेड एक्सेस, विथ लिमिटेड एक्सेस अप्लाइंग कंपनी पॉलिसीज एंड रूल। तो सिंपल सा है कि किसी भी कंपनी का अपना एक वो नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर वो लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि हम किसको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो अपनी कंपनी की पॉलिसीज और रूल बनाते हैं। लाइक हमारे यहाँ पर्टिकुलर ये चीज एक्सेस हो, आप पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट से ही कम्युनिकेट कर सकते हो, हमारे यहाँ पर पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं करेगा, हमारे यहाँ पर गूगल फेसबुक यूट्यूब ओपन नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। लेकिन आपके घर में भी क्या है, वैन नेटवर्क है, बट वहां पर सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर आपकी सारी चीजें चल रही है, बट कंपनी नहीं कर सकती ना, क्योंकि कंपनी ने तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना। तो कंपनी ने अगर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वो हमारा इंटरनेट कहलाता है, जो कि हर कंपनी का अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क है कि लिमिटेड एक्सेस है। लाइक अगर हम बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक के अंदर भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, हम वहां पर पैसे पे करते हैं, हम अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, बट फिर भी हमारे साथ चैलेंजेस क्या है कि हम वहां के कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं हो, आप सिर्फ विजिटर बन के जाते हैं, तो आप वहां के रिसोर्सेज को विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकते। फाइन, बट अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं तो साइबर कैफे भी क्या है, एक लैंड नेटवर्क है, बट वो एक पब्लिक नेटवर्क है, वहां पर जो इंटरनेट चल रहा है आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आपका क्या इंटरनेट कनेक्टेड है, बट वहां पर हमारे पास लिमिटेड एक्सेस। तो दिस इज अलाइक कि लाइक कहते हैं ना कि अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अगर वहीं हम कहीं अकेले कहीं पीजी वगैरह में रहते हैं तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आपके ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे चलते हो। अगर आप पीजी में रह रहे हो, आप 11 बजे आ रहे हो, फ्रेंड के यहाँ रुक रहे हो, तो दिस इज अ टर्म्स अलग। लेकिन अगर जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो वहां पर हमारे पास लिमिटेशन था कि नहीं, 8 o'clock हमारे पेरेंट्स घर में होंगे तो हमें 8 o'clock के बाद हम घर से बाहर नहीं जा सकते, रात को 10 o'clock हमें सोना ही सोना है। बट पीजी में, या जब हम अकेले रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह से, या हॉस्टल में, तो देयर इज नो लिमिटेशन। हॉस्टल में रहते हैं तो हमें एज पर द हमारे कॉलेजेस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हॉस्टल के रूल्स फॉलो करते हैं, दी तो ऑल इज इंट्रानेट। गॉट इज माय ओके पॉइंट? या तो होप सो आपकी कुछ चीजें क्लियर हुई हो। यस सर यस, आपने सर तो मुझे एक लिंक सेंड किया था वो वो ओपन नहीं वीडियो हो रहा, लिंक प्राइवेट आप हो है वो। जाएगा, आप हो जाएगा, अब आप दोबारा से देखोगे तो ऊपर डॉट पर। ओके क्योंकि वो प्राइवेट है। तो दिस इज द नेटवर्क टर्म्स की, ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं, और ये छोटी छोटे लॉजिक्स हैं कि गेटवे का यूज हम कब करेंगे, स्विचेस का यूज कब करेंगे, डिफरेंट रेंज ऑफ आईपीस क्या होते हैं। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं बनोगे, आप कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे काम ही नहीं कर पाओगे, इधर आईटी इंडस्ट्री के अंदर मूव ही नहीं पाओगे। तो अगर कोई भी बंदा स्टार्टिंग में अगर कहता है ना, मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, मैं कहता हूँ हर कैंडिडेट के पास डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब है, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वो आगे मूव कर जाएगा। बट ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिस पर डेली रूटीन में काम होता है। इसी में से मैं एक कंपनी को सर्वर बना देता हूँ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बना देता हूँ, एक लाइनेक्स सर्वर बना देता हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे वो सर्वर टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। अब कंपनी ने यही सर्वर क्लाउड पे मूव कर दिया, तो क्लाउड आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपका नेक्स्ट लेवल होगा। बट एक्चुअली स्टार्टिंग में ये आपका बेस है। अगर ये छोटी छोटी नेटवर्क कनेक्टिविटीज, और आपको यही नहीं पता कि आईपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, स्विचेस का क्या कॉन्सेप्ट है, गेटवे का क्या कॉन्सेप्ट है, गेटवे का यूज मैं कब करूंगा, तो ये छोटी छोटी टर्म्स है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। और लैन और वैन के अंदर, इंटरनेट और वैन के अंदर मोस्टली कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। फाइन,
तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी। ओके क्लियर? यस तो इसी के साथ हम इतना ही सेशन आज का ओवर करते हैं अपना, देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई हो। बाकी हो सकता है यस कुछ एक आध चीजें मैंने मिसमैच कर दी हो, तो वो आप थोड़ा बहुत देख लेना। बट 99% मैं खुद अपने आप से कॉन्फिडेंस हूँ, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैन वैन मैन एंड इंटरनेट नेटवर्क कॉन्सेप्ट। परफेक्टली मैंने आपको एक लॉजिक की तरह एक्सप्लेन करा है कि मैंने आपका सिर्फ लॉजिक क्लियर करना चाहा है कि लैन वैन मैन और इंटरनेट में डिफरेंसेस क्या है और ये नेटवर्क किस तरीके से काम करते ठीक है सर। हैं। चलिए, और तो थैंक यू। क्या जो अभी फंडामेंटल्स का जो स्टडी है वो कहाँ से करना, कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए, जैसे चैप्टर्स है जितने उसके चैप्टर्स है मॉड्यूल्स है वो कहाँ से स्टडी करना? वो मेरे पास नहीं है, मैं आपको एक तो क्या सीक्वेंस में हूँ। पहले आपका बेसिक पार्ट है, क्योंकि जब हम क्लाउड का मैं वीनेट आपको पढ़ाऊंगा ना अजूरे का, उस समय ना हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़नी है। ये सारी चीजें स्टडी जो भी मैंने करें? आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाया है, तो वीनेट आपको तभी क्लियर होगा जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्लाउड का जो नेटवर्किंग का पार्ट है ना, तो नेटवर्किंग पार्ट के लिए ये बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके तो गॉट इट? तो ये सारी चीजें हम क्लाउड पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अभी क्लाउड पर अभी भी हमने एक्चुअली में जो अभी हमने कोर्स का क्या बोलते हैं मॉड्यूल अभी स्टार्ट मैंने किया। आपका क्लाउड स्टार्ट नहीं करा है। अच्छा ठीक है मैं ओके अभी आपकी 1 वीक की क्लासेस लूंगा, जिसमें आपकी कुछ बेसिक टर्म्स मेरे को क्लियर करनी है। पहले ओके मैंने आपको ओके बताया था ना कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जब तक कैंडिडेट का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा, जब तक मैं आपको मूव ही नहीं करूंगा क्लाउड पे। ओके सर और आपका वैसे भी फंडामेंटल पार्ट है, तो फंडामेंटल से मुझे क्लाउड की हर चीज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, बट मुझे उसका बेस भी तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि क्यों किस चीज है। जब मैं आगे आपको जब क्लाउड बताऊंगा, तो आपको इजिली वो चीजें अंडरस्टैंड है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ द डिफरेंस क्या है, तो अभी आप क्लाउड को माइंड से निकालो। 3-4 क्लासेस और हमारी हो रही है 2 वीक की, उस वीक के बाद हम अपना करेंगे। फाइन, ठीक है सर ऑलराइट थैंक चलें, यू ओके, बाय, टेक केयर, बाय थैंक्स ओके।